TV9 भारतवर्ष से बोले एनसीबी के चीफ SN प्रधान, उन्होंने बातचीत की हमसे और कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी पर जल्द फैसला लेंगे, ये एनसीबी चीफ ने कहा है। ड्रग्स पार्टी के बॉलीवुड कनेक्शन मिले हैं, ये एनसीबी चीफ का बयान है। आर्यन खान पर अभी जवाब नहीं दे सकता, ये एनसीबी चीफ ने कहा है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुनीत ने उनसे बात की एनसीबी चीफ से, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या क्या उनके पास से कितना ड्रग्स मिला है? देखिए, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अभी ऑफिशियल अरेस्टिंग नहीं हुई है लेकिन पूछताछ जारी है और बहुत जल्द ही उस पर अरेस्टिंग पर निर्णय ले लिया जाएगा। ड्रग्स का जहां तक सवाल है, क्वांटिटी अभी मैं बता नहीं पाऊंगा लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन प्रकार के बारे में हम लोगों ने शेयर किया है, MDMA है, MD है, एक्सटेसी है, चरस है, ये सब ड्रग्स मिले। सर, अक्सर देखा गया है कि इस तरीके से क्रूज पर तमाम पार्टीज भी होती हैं, आप लोग पैनी नजर रखते हैं, बॉलीवुड कई बार इसमें इन्वॉल्व होता है, इस पार्टीज में जाता है, एक बॉलीवुड स्टार के बेटे का भी हिरासत में मामला है, किस तरीके से उनको पकड़ा है और क्या उनके खिलाफ क्या एविडेंसेस मिले हैं? स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन के कारण से, लेकिन ये तय है कि कुछ बॉलीवुड कनेक्शंस मिले हैं और उस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लिया है तो क्या उनके पास से भी ड्रग्स मिला है? उन्होंने कहा भी कि पहले हम कबूल किया है, क्या क्या कबूलनामे कि हाँ उन्होंने कई बार पहले ड्रग्स लिया है। अभी इस स्टेज में इस पर मैं जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बॉलीवुड कनेक्शंस मिला है और ये आम जो पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है और क्या मिला है। तो सुन रहे थे आप एनसीबी चीफ ने क्या कहा है कि थोड़ी देर बाद जो सबूत मिले, जो प्रमाण मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और तब नाम भी सामने आएंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, एक चीज और कि बॉलीवुड से कनेक्शन की वो बात कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में, खासकर मुंबई की बात करें, जब ड्रग्स रैकेट का बॉलीवुड से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी कि अभी भी एनसीबी के सामने ये बड़ी चुनौती है क्योंकि आर्यन खान का अगर नाम आ रहा है ये तो अभी वो पीढ़ी है जो बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा है इसने, और अभी से ड्रग्स से जुड़े इतने गंभीर मामले में ये फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हुआ था, उस केस में भी कई लोगों की गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की गई थी, कई लोगों से क्वेश्चनिंग भी की गई, लेकिन जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो कई लोग जमानत भी ले गए थे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। लिहाजा इस बार खास तौर पर एनसीबी की टीम इस कोई ऐसी गलती नहीं करना चाह रही है। बाकायदा जिन लोगों के जिनसे पूछताछ की गई है, जिनके पास से जितनी भी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है, तो उन सेक्शंस के आधार पर बाकायदा अपनी लीगल टीम से कंसल्ट कर रही है एनसीबी की टीम, ताकि आने वाले वक्त में केस को मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर पेश किया जा सके। यानी कि जो एनसीबी की टीम है, जो एनसीबी है, वो बैकफुट पर ना आए कहीं भी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, तो कोई चूक अपनी तरफ से एनसीबी की टीम नहीं करना चाहती है, और एनसीबी की टीम का जो काम करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो साफ तौर पर रवि इस तरीके का है कि ना सिर्फ कंज्यूमर, ना सिर्फ पेडलर, बल्कि एनसीबी की टीम वहां तक पहुंचती है जहां से कॉन्ट्राबैंड, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इसकी कमर तोड़ने की कोशिश करती है, और उसी एंगल पर इस पूरे मामले की तफ्तीश को भी एनसीबी की टीम बढ़ा रही है। अभी जो 8 लोग जिनसे पूछताछ की गई है, अब उनके जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा रहा है जिन्होंने उनको ये ड्रग्स मुहैया करवाई। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से जो मुंबई में या फिर कहें बॉलीवुड के अंदर पूरा ड्रग का नेक्सस, बिल्कुल बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी और कार्रवाई होगी। जितेंद्र, लौटेंगे आपके पास। क्रूज ड्रग्स केस में एक्टर सुनील शेट्टी का बयान भी सामने आया है। सुनील शेट्टी ने आर्यन खान का बचाव किया है, बिना जांच मामले पर सवाल ना उठाएं, ये कहा है सुनील शेट्टी ने। मैं निजी तौर पर आर्यन को जानता हूं, ये सुनील शेट्टी ने कहा है। तो सुनील शेट्टी का बयान देखिए, बॉलीवुड से जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे जितेंद्र से कि क्या किसी का बयान आया है, तो ये एक तरीके से देखिए ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण, सुनील शेट्टी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जांच है, हो रही है इस मामले की, और उसके पहले इस पर सवाल ना उठाया जाए। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है, लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी to report, let the real reports come out, you know, till then bachcha hai, taking care of him is our responsibility.
और आगे के एक्शन में टीवी 9 भारतवर्ष से एनसीबी चीफ ने कहा है, एनसीबी नशा मुक्त भारत की मुहिम चला रहा है, कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हिरासत के लिए लिए गए लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं और उसी सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, एनसीबी चीफ की तरफ से यह कहा गया। सर एक बहुत अहम सवाल है, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन काफी पहले से भी देखा जा रखा है, सुशांत केस में भी ये चीजें सामने आई, तो क्या बॉलीवुड में से भी कुछ लोगों को पकड़ा जा सकता है या वो टारगेट पे हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में? देखिए जो मुहिम एनसीबी चला रहा है वो नशा मुक्त भारत का की मुहिम है, इसमें इस दायरे में इस नेटवर्क में इस जाल में कौन आता है, इन्वेस्टिगेशन में किसका नाम आता है, कितना बड़े ओहदे का आदमी है या किस प्रदेश से बिलोंग करता है, किस पैसे वाला है, क्या है, इस पर हम लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है। हम लोग अपना कार्रवाई एक समय एक समान परिमाप से करते हैं, एक ही स्केल से करते हैं, विदाउट फियर और फेवर करते हैं। इसलिए उसमें आने वाले दिनों में इसमें बॉलीवुड का कनेक्शन और उभर कर आए और स्टार्स पकड़े जाएं या और इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़े जाएं या और कुछ और भी तबके के लोग पकड़े जाएं, इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी कनेक्टेड होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सर एक आखिरी और अहम सवाल यह है कि क्या इन आठों के खिलाफ अहम सबूत मिले, इन आठों की गिरफ्तारी जल्द होगी? देखिए जब 1800 लोगों में से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी सबूत मिली है, तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रारंभिक सबूत मिले हैं, प्रारंभिक सबूत के आधार पर हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है, गिरफ्तारी जब हो जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबूत किसके खिलाफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।